आज गावत मन मेरो झूमके। बैजू भौरा में मैंने इसकी कोशिश की कि क्लासिकल संगीत और क्लासिकल गायक गाने वाले इसमें आए, चूंकि ये इस जलसे में गाते हैं 100-150 आदमी सुनते हैं। अगर ये फिल्म में गाएंगे तो इनकी गायकी करोड़ों आदमी एक रात में सुनेंगे और इससे लोगों को शायद दिलचस्पी पैदा हो और ये संगीत शायद आवाम के लिए दिल पसंदगी का सामान बन जाए और फिल्मों में इसका रिवाज हो जाए। तो गरज ये, बैजू भौरा में मैंने इसकी ट्राई की, उसमें हर गाना किसी न किसी राग पर आधारित है और आखिरी जो कॉम्पिटिशन है उसमें ये दो उस जमाने के मशहूर गवैये पंडित पलुष्कर जी और अमीर खान साहब हैं। तो मैंने उसमें कोशिश की थी कि ये हैवी डोज अगर हम शुरू में दे देंगे तो लोग नापसंद करेंगे, तो पहले लाइट डोज देता हुआ मैं गया। रागों पर गानों की बुनियाद रखी लेकिन उनके ट्यून्स कुछ खेलते हुए चलते हुए बनाए कि लोग आवाम भी जो क्लासिकल से वाकिफ नहीं है लुत्फ ले सकें। और आखिर में जाके हैवी डोज दिया मैंने दरबार में और लोगों ने उस पर क्लैप की, ताली बजाई और पसंद किया। और उसके बाद से फिल्मों में क्लासिकल संगीत का रिवाज शुरू हुआ। तीन भैरवी में इस तरह से ये, और मेरा दिल पसंद राग भी है भैरवी। मैंने अर्ज किया था भैरवी तो राग है ऐसा सदाबहार, मिलता है जिससे दिल को सुकून रूह को करार। कि मैं एक रात को छेड़ रहा था भैरवी, चूंकि मुझे बैजू भौरा का गाना बनाना था और भैरवी का ठाट ये है, ये छेड़ते छेड़ते अब आया वो